पश्चिम बंगाल का होने वाले विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीति भी अपने चरम पर पहुंचती जा रही है। बीजेपी अगर किसी शख्स पर पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा हमलावर है तो वो है सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी। बात करें अभिषेक बनर्जी की तो पश्चिम बंगाल का राजनीति में सीएम ममता बनर्जी के बाद अभिषेक ही सबसे ज़्यादा पावरफुल नेताओं में गिने जाते हैं। संसद के अंदर की बात हो या संसद के बाहर की, सांसद अभिषेक बनर्जी बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमलावर दिखते हैं। वहीं बात करें संसद के अंदर की तो लोकसभा में अभिषेक बनर्जी कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते हैं। 90 दिन चली संसद की कार्यवाही में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी महज 11 दिन ही उपस्थित रहे हैं। अभिषेक बनर्जी की अटेंडेंस महज 12.22% ही रही है। वहीं उनकी रैंकिंग 65वें स्थान पर रही है। वहीं अगर बात करें लोकसभा में सवाल पूछने की तो अभिषेक बनर्जी इसमें बहुत पीछे नजर आते हैं। 375 में से अभिषेक बनर्जी ने महज एक ही सवाल सदन में पूछा है। सवाल पूछने के मामले में अभिषेक बनर्जी की रैंकिंग 155वें स्थान पर है और प्रतिशत की बात करें तो अभिषेक बनर्जी का सवाल पूछने के मामले में प्रतिशत महज 0.27% है। वहीं अगर बात करें लोकसभा में हुई डिबेट्स के बारे में तो अभिषेक बनर्जी की ओर से महज 2 लोकसभा डिबेट्स में ही हिस्सा लिया गया है। अभिषेक बनर्जी ने महज 0.63% डिबेट्स में ही भाग लिया है। उनकी रैंकिंग 98वें स्थान पे है। वहीं अगर बात करें तो प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने की तो अभिषेक बनर्जी की ओर से कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल पेश नहीं किया गया है। वहीं एमपी लैड की बात करें तो अभिषेक बनर्जी की ओर से महज 12.04% ही एमपी लैड खर्च किया गया है। अभिषेक बनर्जी ने मात्र 62 लाख रुपए ही अपने एमपी लैड से खर्च किए हैं। उनकी रैंकिंग 198वें स्थान पर है। अभिषेक बनर्जी के निजी और राजनीतिक जीवन की बात करें तो अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की विरासत के बड़े दावेदार भी हैं। अभिषेक बनर्जी का जन्म 7 नवंबर 1987 को कोलकाता में हुआ था। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं। अभिषेक की शुरुआती शिक्षा दीक्षा पश्चिम बंगाल से हुई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली से मैनेजमेंट की पढ़ाई की। 2012 में उनकी शादी रुजीरा बनर्जी से हो गई, जिनके 2 बच्चे भी हैं। 2011 में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 34 साल के कम्युनिस्ट शासन को मात दी थी। अभिषेक ने उसी साल टीएमसी की युवा इकाई का पदभार संभाला था। यह राजनीति में उनकी आधिकारिक एंट्री थी। 10 सालों तक लगातार मुख्यमंत्री रहीं ममता बनर्जी ने अनौपचारिक रूप से अभिषेक बनर्जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। अभिषेक टीएमसी के दूसरे नंबर के नेता भी हैं, इसलिए माना जा रहा है कि देर सवेर ही सही तेज तरार नेता अभिषेक को ममता बनर्जी के बाद पार्टी की कमान मिल सकती है। 2014 में अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल की VVIP सीट डायमंड हार्बर से अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत की थी। अभिषेक बनर्जी को 2014 के लोकसभा चुनाव में करीब 5 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे। अभिषेक बनर्जी ने लगभग 1.5 लाख वोटों के मार्जिन से CPM उम्मीदवार को चुनाव में हराया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में 18 लोकसभा सीट जीतकर सनसनी मचा दी थी। बीजेपी ने डायमंड हार्बर लोकसभा सीट पर टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को चुनाव हराने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। पर इसके बावजूद बीजेपी अभिषेक बनर्जी को 2019 में लोकसभा चुनाव नहीं हरा पाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में अभिषेक बनर्जी को लगभग 7,91,000 के आसपास वोट मिले थे। वहीं तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी प्रत्याशी को 4,70,000 के आसपास वोट मिल सके थे। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी प्रत्याशी को लगभग 3.5 लाख वोटों से चुनाव हराया था। साल के शुरू में ही पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत चुनाव अभियान में झोंक रखी है। वहीं टीएमसी के साथ एक के बाद एक नेता छोड़ते जा रहे हैं। वहीं टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी इन सबके बीच ममता की विरासत के बड़े दावेदार बनकर उभरे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव में अभिषेक बनर्जी बीजेपी को कितनी टक्कर दे पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।